सो हेलो एवरी वन दिस इज ज्योति राजपूत और आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नया टॉपिक दैट इज डिविजन थे आपने कभी भी पॉन्ड वाटर में देखा होगा कुछ ग्रीन कलर की ग्रोथ नज़र आई होगी जो कि फिलमेंशियस थ्रेड जैसी नजर आती है सो हियर दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक एंड एक्चुअली इट इज़ अ स्पाइरो और ये जो स्पायरो है खास बात ये है कि इनके पास जो भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इट इज़ इन स्पाइरल शेप जो कि आसानी से नज़र आता है वेन एवर वी सी अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप और थैलोफाइटा में जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम की, उसकी बात करते हैं लाइक द यूलोथ्रिक्स है स्पायरोगैरा like है वाल्वा है एंड इवन द सार्गसम सो ज्यादातर जो भी प्लांट्स आते हैं दैट इज इन द डिजन थे मेनली वो वाटर में ही ग्रो करते हैं चाहे वो मराइन वाटर हो फिर वो चाहे फ्रेश वॉटर हो और थैलोफाइटा का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास ना ही वेल डिवेलप्ड रूट्स है ना ही वेल डिवेलप्ड स्टेम है ना ही लीवस है और ना ही फ्लावर है बट मोस्ट ऑफ देम दे आर ग्रीन इन कलर इसीलिए दे आर एबल टू डू द फोटोसिंथिस और हिस्सर दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक एलगीज सो एलगीज जो है दे आर ऑल्सो कमिंग इन द थैलोफाइट है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलती है एल में और एल गी की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से कुछ यूनीसेलुलर हैं कुछ मल्टी सेलुलर है कुछ माइक्रोस्कोपिक हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा वास्ट हेयर स्ट्रक्चर में है दे आर वेरी लार्ज एंड उनकी बॉडी अगर ध्यान से देखते हैं इट इज़ सॉफ़्ट एंड फाइबर लाइक और यहाँ पर हम ऑल्सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द ईस्ट एंड द मोल्ट इनके पास, ना होने के बावजूद